हाय फ्रेंड, द कनक्स किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ, गाजर का खीर। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनता है गाजर का खीर। मैं ये थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके रखी हूँ। ये दो गाजर, मीडियम साइज के गाजर मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, मर्जी करे डालें, नहीं मर्जी करे ना डालें। ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध है, बॉयल किया हुआ दूध है। फिर से हम लोग इसको बॉयल करने के लिए चलाते हैं। गैस ऑन कीजिए, इसको मीडियम फ्लेम पे दूध को बॉयल करना है। दूध बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ गाजर। ग्रेट किया हुआ गाजर डाल लिया, इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है, चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ये लगभग 10 मिनट पकते हुए इसको हो गया है, ये गाजर पक भी गया है और लगभग खीर तैयार हो गया है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे चीनी। चीनी कम ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच के लगभग चीनी है। और इसमें ये कुछ बादाम कटे हुए हैं, काजू और किशमिश। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए 2 हरी इलायची कुटी हुई। इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए और इसको पका देंगे मीडियम फ्लेम पे, 1-2 मिनट और इसको पकाएंगे। मेरी गाजर की खीर तैयार हो गई है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। मेरी गाजर की खीर तैयार हो गई है। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।